नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। एजुकेशन फील्ड की हर बड़ी अपडेट आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। आज हम इस वीडियो में जो नया राज्य चयन आयोग है हमीरपुर में, उसकी जो दो दिन पहले रूल्स बुक निकली है उसमें क्या क्या बताया गया, मेन बात क्या उसमें, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आपके मैसेज रहते हैं स्पेशली टीजीटी जेबीटी वालों के कि हम किस एग्ज़ाम किस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो वो तैयारी करें, पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न से तैयारी करें या फिर जो नया राज्य चयन आयोग है वहाँ उस पैटर्न से तैयारी करें। नए राज्य चयन आयोग में एक बड़ी बात करी गई है कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो अभी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। मीन्स कि जैसे आप जानते हैं कि इसमें दो एग्ज़ाम की बात करी गई थी कि एक हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेंगे, प्लस टू वालों का अलग होगा और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनका अलग होगा, बाकी उनके बाद जो है वो कमीशन्स होंगे। तो अलग पैटर्न देने की बात यहाँ पर करी गई थी कि अलग अलग पोस्ट कोडों की जगह हम जो है एक ही एग्ज़ाम यहाँ पर करवाएंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। पहले अलग अलग पोस्ट कोड होते थे तो सभी के एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट करवाए जाते थे, चाहे उसमें एक पोस्ट हो, दो पोस्ट हैं या फिर ज़्यादा पोस्टें हैं। अभी कंबाइन करने की बात इसमें करी गई है और ऐसा कोई पोस्ट कोड जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो तो उनके एग्ज़ाम जो है वो टर्म वाइज होंगे, शिफ्ट वाइज होंगे। जैसे नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं सीवीटी फॉर्म में, जो भी एग्ज़ाम रहते हैं यहाँ पर भी जो एग्ज़ाम है उनकी सीवीटी में ही बात करी गई है कि जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सीवीटी फॉर्म में ही रहेंगे। उसमें नॉर्मलाइजेशन वाला मेथड जो यहाँ पर अप्लाई होगा कि किसी शिफ्ट में हो सकता है कि कोई पेपर ईजी हो और किसी शिफ्ट में हो सकता है कि पेपर टफ हो, तो आगे चलकर वो नॉर्मलाइजेशन से इक्वल वैल्यू जो उनकी निकल जाती है जैसे नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं। मेन यही है कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो मर्जी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला हो या फिर नए राज्य चयन आयोग का पैटर्न हो, अगर सीबीटी का एग्ज़ाम यहाँ पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है अगर वो यहाँ से नहीं होता है तो डायरेक्ट जो है वो कमीशन होगा, क्योंकि अभी जो सीईटी टेस्ट है कॉमन एलिजिबिलिटी वाला टेस्ट है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट हो उसमें एक ही टेस्ट हो, तो ये बात यहाँ पर मेन है। बाकी जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न जो मर्जी हो, जो जेबीटी के आरएनपी रूल्स हैं या फिर टीजीटी के आरएनपी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो सिलेबस बनता है आप उसी पैटर्न में तैयारी करें। एग्ज़ाम कहीं से भी कंडक्ट हो तो पढ़ना तो आपको वो सारा ही पड़ेगा। तो मेन उसमें यही रहेगा कि जो आपने पहले पढ़ा है, जो आपको पहले सिलेबस बताया गया है जेबीटी और टीजीटी का, आप उसी पैटर्न में तैयारी करें। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप और किस तरीके की हेल्प चाहते हैं। जो न्यू रिक्रूटमेंट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने दो दिन पहले स्ट्रीमिंग भी करी थी, तब भी आपको बताया था कि जेबीटी और टीजीटी के जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि कमीशन की बात इस साल हुई है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन से भी बात चली हुई थी कि वहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके एग्ज़ाम कंडक्ट हों। बट अभी कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा 12 से 12 मार्च से, तो उससे पहले अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं आई तो आगे चलकर फिर ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि ये जो नए राज्य चयन आयोग है वहाँ से एग्ज़ाम हों। तो सभी को ऑल दी बेस्ट। एग्ज़ाम कहीं से भी हो, मेन तो यही है कि आप पूरा सिलेबस कवर करें, किसी भी पैटर्न में एग्ज़ाम हो सकता है, और सभी को हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बाकी